तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एरिया मांगा गया है, दो कर्व के बीच का एरिया मांगा गया है। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला, सो गिवन डेटा इज y इज इक्वल टू x स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू x। ये दोनों कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला कर्व है, और इसके बीच का जितना भी एरिया है वो मांगा गया है, उसकी वैल्यू मांगी गई है। 2003 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने लेंथ के रिलेटेड भी सोल्व किए हैं, ये पहली बार हम एरिया के रिलेटेड सोल्व करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट एग्जामिनेशन। सो रिक्वायर्ड डेटा है एरिया, और एरिया कैसे मिलता है, एरिया मिलता है हमें एक्स वन टू एक्स टू एंड वाई वन टू वाई टू। एरिया तो होता है विड्थ इनटू लेंथ, सो डी वाई एंड डी एक्स, सिंपल यही इक्वेशन है एरिया का। बस हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वाई वन की वैल्यू, वाई टू की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए y1 की वैल्यू तो यहाँ पर दी गई है, सो y1 इज इक्वल टू हम ले लेते हैं x, और y2 क्या ले लेते हैं हम, y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर ले लेते हैं। अब हमें x1 और x2 की वैल्यू चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन y के इक्वेशन है, तो हम y माइनस y ले लेंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस वाई विच इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन आउट एंड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बना हमारा वैल्यू यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू आइदर जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास दो एक्स की वैल्यू आ गई, दो वाई की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया वाले इक्वेशन में इसको पुट अप करते हैं, सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन, अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम वाई वन टू वाई टू मीन्स एक्स टू एक्स स्क्वेयर। यहां पर आएगा डी वाई एंड डी एक्स, सो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन, और हम ये जो इंटीग्रेशन है इतना उसको पहले खत्म करते हैं। सो क्या होगा, dy का होगा y, और y की लिमिट होगी फ्रॉम x से लेके x स्क्वायर तक इनटू dx। लिमिट अप्लाई करते हैं, सो 0 टू 1 यहां पर बनेगा x स्क्वायर माइनस x इनटू dx, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या होगा इंटीग्रेशन, जीरो टू सॉरी इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे हम, मैं रबर का यूज करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लोज करने के लिए, और हम लेते हैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। सो एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, एक्स स्क्वेयर का क्या होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एक्स रेस टू वन है तो एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू, और कहां से कहां तक, जीरो से वन तक। बस पुट अप करते हैं लिमिट यहां पर, तो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज वन क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू, और माइनस तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू वन क्यूब, एक्स की जगह पर हमने वन की वैल्यू रखी थी तो हमें ये मिला वन क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, इट मीन्स वन बाय थ्री माइनस वन बाय टू, सो इज इक्वल टू दैट इज इक्वल्स टू टू यहाँ पर जाएगा, थ्री यहाँ पर आएगा, सो टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स। आ गया हमारे पास आंसर माइनस वन बाय सिक्स, बट ये एरिया है इसीलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसको हमें मोड में लेना है, सो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर हियर एज वेल एरिया इन टर्म्स ऑफ मोड। सो ये सारी वैल्यू मोड में है, तो हमारा आंसर होगा वन बाय सिक्स।
सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/6. थैंक यू वेरी मच. एंड आपको ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.